संसद का शीतकालीन सत्र आज से हो रहा है शुरू। 13 दिसंबर तक चलने वाले सत्र के दौरान 20 बैठकें होंगी। इससे पहले कल हुई सर्वदलीय बैठक में प्रधानमंत्री ने दोनों सदनों में भारत के विकास और नागरिकों के सशक्तिकरण के लिए रचनात्मक चर्चा की उम्मीद जताई। वित्त मंत्रालय बैंकों में जमा राशि की बीमा सुरक्षा कवच को बढ़ाने की तैयारी में है। अधिकतम 1 लाख रुपए की जो बीमा राशि है उसे बढ़ाकर 3 से 5 लाख रुपए तक किया जा सकता है। फाइनेंशियल रेगुलेशन एंड डिपॉजिट इंश्योरेंस कानून में बदलाव करने का है प्रस्ताव। न्यायमूर्ति शरद अरविंद बोबड़े ने आज देश के 47वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने राष्ट्रपति भवन में एक सादे समारोह में जस्टिस बोबड़े को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। जस्टिस बोबड़े का CJI के रूप में 17 महीने का कार्यकाल होगा। भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले में इस साल बिहार को फोकस राज्य बनाया गया है। इसके पंडाल में बिहार की प्रमुख शिल्पकलाओं का जीवंत प्रदर्शन देखा जा सकता है। राज्य दिवस समारोह के तहत हरियाणा ने भी अपना राज्य दिवस समारोह मनाया। वाराणसी में केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री अश्विनी कुमार चौबे ने कहा कि शिवसेना को भाजपा के साथ गठबंधन करने के बाद ये मैंडेट मिला था। आज भले ही शिवसेना हमसे अलग होकर सरकार बनाए लेकिन जनता सब देख रही है और उसका परिणाम उन्हें भुगतना पड़ेगा। रामचंद्र मिशन द्वारा 3 दिवसीय ध्यान उत्सव कार्यक्रम का आयोजन प्रयागराज में किया गया। उद्घाटन के अवसर पर उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए केशव प्रसाद मौर्य ने कहा ध्यान उत्सव के माध्यम से 15 वर्ष तक के बच्चों को विशेष उपलब्धि हासिल हो रही है। मथुरा में ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा ने कहा पीएम घोटाला अखिलेश यादव सरकार के कार्यकाल में हुआ, मेरे कार्यकाल में नहीं। तत्कालीन मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने 2016 में PNB हाउसिंग फाइनेंस के लिए निवेश के लिए नियमों को बदला। बाराबंकी की रहने वाली सितारा सिद्दीकी वंचित तबके के बच्चों को उनका बचपन वापस लौटा रही हैं। सितारा सिद्दीकी बाल श्रम के चक्र में फंसे बच्चों को मुख्य धारा में जोड़ने का कर रही हैं प्रयास। सोनभद्र जिले के बबनी थाना के अंतर्गत करीब 1 दर्जन हाथियों के समूह ने पूरे क्षेत्र को तबाह कर रखा है। विगत 1 हफ्ते से हाथियों के इस समूह ने न सिर्फ 1 एकड़ फसलों को बर्बाद किया बल्कि कई मकानों को भी क्षतिग्रस्त कर डाला। हाथियों को खदेड़ने के किए जा रहे हैं प्रयास। कुशीनगर के राष्ट्रीय राजमार्ग 28 पर तेज रफ्तार लग्जरी बस के पलट जाने से 5 यात्रियों की मौत हो गई और दर्जन भर यात्री घायल हो गए। राजस्थान की बस बिहार से सीतामढ़ी से सवारियों को लेकर जयपुर जा रही थी। बिजली बिल का लंबे समय से बकाया भुगतान न कर पाने वाले निम्न आय उपभोक्ताओं को सहूलियत देने के लिए सरकार ने आसान किस्त योजना शुरू की है। शहरी क्षेत्र के गरीब उपभोक्ता 12 किस्तों में और ग्रामीण क्षेत्र के 24 किस्तों में बकाया बिल का भुगतान कर सकेंगे। कानपुर देहात में सहकारी सहयोग से नीली क्रांति का असर दिख रहा है। किसान पारंपरिक खेती को छोड़कर कम लागत में अच्छी खासी कमाई कर रहे हैं। मत्स्य अधिकारी ने बताया जिले भर में 882 तालाब हैं जिनका क्षेत्रफल 850 हेक्टेयर है जिसमें 491 तालाबों का आवंटन हुआ है। ललितपुर जिले के तुवन मैदान में इन दोनों हस्तशिल्प महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। इस मेले में 16 राज्यों के कोने कोने से शिल्पी आए हुए हैं। हस्तशिल्प महोत्सव में सहारनपुर का फर्नीचर, राजस्थान का अचार, लखनऊ के चिकन कारीगरी, लुधियाना का ड्रेस मटेरियल काफी पसंद किया जा रहा है। 18 नवंबर 1962 के भारत चीन युद्ध रेजांगला में 13 कुमायूं रेजिमेंट चार्ली कंपनी के शहीद 114 वीर सैनिकों के शौर्य शहादत की पूर्व संध्या पर रेजांगला शौर्य दिवस समारोह का आयोजन सुल्तानपुर में किया गया। भारत बांग्लादेश के बीच खेले गए सीरीज के पहले टेस्ट के बाद ICC की ताजा रैंकिंग में भारतीय खिलाड़ियों को फायदा हुआ है। मैच में दोहरा शतक लगाने वाले मयंक अग्रवाल 11वें स्थान पर पहुंच गए हैं। वहीं गेंदबाजी रैंकिंग में मोहम्मद शमी टॉप 10 में शामिल हो गए हैं।